ये बैठी है सब कुछ लेके। फैन मस्त असेंबल कर दिया है गाइस। तो बेम्बू शूट काटा जा रहा है। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आई हूँ दीदी के यहाँ पे, आज ही पहुंची हूँ। और ये रही दीदी। हाय। और मम्मी और मैंने ये बना के फिर मैं लाई। ये दिख भी नहीं रहा, रुको खोल के दिखाती हूँ। दे दो, मैं खोल के दिखाती हूँ। बनाया, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, निमकी। ये नारियल का लड्डू। नारियल का लड्डू, ये तो चार खा लिया। ये मम्मी ने बनाया जब मैं नहीं थी घर। तो इसके बाद क्या बोलते हैं इसको, ये देखो गुजिया। तो कल रात मैंने और मम्मी ने मिलके बनाया, और उस टाइम पे इतना गर्मी था, इतना गर्मी में इरिटेट होके बनाया। तो मैं कुछ शूट नहीं किया क्योंकि बहुत गर्मी था, तो शूट वूट नहीं किया, बट बना लिया क्योंकि गर्मी में बनाना ही इतना मुश्किल है आग में बैठ के, और ऊपर से व्लॉग बनाऊँ तो भाई उतना मेरे पास एनर्जी नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊँ। और मैं गुजरात से जो जो इसके लिए लाई थी वो इसको दे देते हैं। ये लो आपका गिफ्ट, एक साल से घर में पड़ा हुआ। हाँ, ये सामान रखने का, क्योंकि ये बहुत कार्टून में जबड़ा करके रखती है, इसीलिए इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं ये लाया। थैंक यू। ये है कुर्ती। अच्छा, ये भी पहन के देख लेना होता है कि नहीं। आई थिंक हो जाएगा। खाई। तो गाइस, मैं घर से नारियल लेकर आई थी और मैंने इसको अभी टुकड़ा किया है। भाई साहब, इसका पानी निकला, कुछ मैंने अंकल को दे दिया क्योंकि अंकल से हम लोग दाव लेकर आए थे। और इसको काटना काफ़ी ज़्यादा हालत टाइट हुआ, और मुझे पानी से ज़्यादा ये मलाई बहुत पसंद है गाइस, तो मैं फट से खा लेती हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द नेक्स्ट डे, और मैं अभी उठ के खाना पकाने वाली हूँ। तो घर से मैं लाई हूँ बहुत सारा मछली, छोटा मछली, और ये है तेंगा पत्ता। ये देखो, मिखरी ब्लाई बोलते हैं डिमासा में, विच मीन्स तेंगा का पत्ता। तो ये ही से मैं बनाने वाली हूँ, ये पत्ता के साथ ये बनाऊँगी। और गाइस साइड में ये देखो क्या लाई मैं, ये देखो मुझे खमाओ फिश मिंट। तो फिश मिंट पत्ता का मैं चटनी बनाने वाली हूँ मस्त, तेंगा पत्ता के साथ मछली का झूल और फिश मिंट का चटनी। हाय हाय हाय, भूख लग गया। मैं इतना ज़्यादा पसंद है ना ये सब चीज़ें, क्या ही बताओ। सारे नॉर्थ ईस्टर्न्स को पसंद ही होगा, जिसको नहीं पसंद वो नॉर्थ ईस्ट के नहीं है। और ये देखो, सारा दुनिया का पत्ता मैं घर से लेकर आ गई हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं मिलता है। तो जितना दिन हूँ अपना पसंदीदा खाना तो खाऊंगा इस, तो जल्दी से बना लेती हूँ, उसके बाद पेट पूछो कर लेते हैं। तो गाइस अकेले अकेले बोर हो रही थी, तो सोचा चिप्स लेके आ जाओ, चिप्स खाओ। तो उसका बैक साइड की तरफ वो हाईवे का रास्ता है, तो उस तरफ मैं जाके शॉर्टकट से लेके आऊँगी सोचा था। पर इतना जंगल, मुझे इतना डर लग रहा था कि सांप निकल के ना आ जाए, भाई मैं पूरा पछताई इस तरफ आके। गाइस अभी हो चुकी है शाम और हम जा रहे हैं बाज़ार में। यहाँ पर इतना गर्मी है ना गाइस, मेरा हालत ख़राब हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो हम लोग अभी फ़ैन ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, हम लोग के पास एक ही फ़ैन है और वो टेबल फ़ैन, उससे नहीं हो रहा है। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि एक स्टैंड फ़ैन भी ले लेंगे, और सीलिंग फ़ैन लेके तो कुछ फ़ायदा नहीं क्योंकि घर ही इतना गर्म है, सीलिंग फ़ैन तो बस गर्म वाला कोई लेकर आएगा। तो हम लोग ने डिसाइड किया एक स्टैंड फ़ैन भी ले लेंगे। तो अभी निकल रहे हैं हम। तो गाइस बाज़ार से आ चुके हैं, मैंने कुछ शूट ही नहीं किया बाज़ार में। तो हम लोग बहुत सारा खाने का चीज़ लेकर आए हैं, सबसे पहले खा लेंगे। फैन को हम लोग फिटिंग करेंगे, उसके बाद चलाएंगे, उसके बाद घर में हवा हवाई कर देंगे हवेली।
ठंड से कांप उठेंगे उसके बाद बर्फ गिरने लगेगी, बर्फ गिरने लगेगा। तो मैं जल्दी से नहाऊंगी, तो बाद में पहले हाथ मुंह धो के फिर फूस लेती। बहुत भूख लगा है गाइस, 8 बज चुका है हम लोग को बता से आते हैं, रोज 8 बज जाता है, खाना खाते खाते 12 बज जाता है, यू नो। ये बैठी है सब कुछ लेके, तो अभी देखते हैं क्या होता है। फैन मस्त असेंबल कर दिया है गाइस, बढ़िया हवा दे रहे हैं, ये देखो वाओ, ठंडा ठंडा कूल कूल, दो दो फैन, मजा आ गया। तो गाइस अभी रात हो चुका है और मैं बनाने वाली हूँ बैम्बू शूट। तो ये देखो बैम्बू शूट काटा जा रहा है, रात का डिनर होगा ये। ज़्यादा गर्म है दिन में, लेकिन रात को ऐसा ठंडा हो जाता है थोड़ा सा। दोनों साइड खिड़की है तो मस्त, इधर से भी हवा, इधर से भी हवा, इधर फैन, तो ठंडा हो जाता है शाम को घर और मज़ेदार ही है। बट दिन में हालत टाइट हो जाता है, तो लास्ट में हम लोग को और एक फ़ैन लेना ही पड़ा। और दीदी खुद बोल रही थी कि दूसरा फ़ैन वो लेगी लेगी बोल के, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। और सिलचर के कंपेरिजन में करंट यहाँ पे काफ़ी जाता है, लाइक सिलचर में क्या होता है 1 घंटे के लिए जाता है ना, तो यहाँ पे बहुत बार जाता है, तो उसके चक्कर में मेरा दिमाग घूम जाता है। एक दिन तो रात को करंट चला गया था, दीदी तो नाइट शिफ्ट है उसका, नाइट शिफ्ट में चली जाती है, मैं घर पे रुकी हुई हूँ अकेली, और रात को करंट चला गया मेरा, तो हालत ख़राब, मैं क्या करूँ ऐसा हो गई थी। फिर मैंने खिड़की उड़की खोल दिया, खिड़की उड़की खोल के मैं बैठी हुई थी, उसके बाद फिर आ गया, थैंकफुली आ जाता है जल्दी। तो एनीवेज अभी मैं खाना खा लूँगी, उसके बाद तो सो जाना है, और क्या ही करना है, क्या ही करूँ गाइस, आप लोगों को भी क्या ही दिखाऊँ मैं। और तो बस इतना ही, लेट्स एंड द वीडियो राइट हियर, आई होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, इफ यू डिड देन प्लीज नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय, टेक केयर, पीस, बाय।